आप, मैं, हम सब उम्मीदों के इस भारत में एक बेहतर कल देखना चाहते हैं। बुजुर्ग आंखों के ख्वाब में नौनिहालों के लिए हसीन सपने पल रहे हैं। माँ बाप अपनी संतानों के लिए धरती आसमान एक कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नजरिए से देखें तो स्थिति कितनी भयावह है। इस देश में युवाओं के लिए नौकरी का सृजन नहीं किया जा रहा है, रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। आज जब देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है, जहां हर 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है, ऐसे में सवाल है कि क्या इस देश के युवाओं के साथ हो रहे इस अनैतिक कृत्य के खिलाफ कोई खड़ा है? तो जवाब है हाँ। युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई एकमात्र आवाज जो सबसे मजबूती से बुलंद होती रही, वो एक बार फिर न्याय के पथ पर निकल चुकी है। जननायक राहुल गांधी देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए निकल चुके हैं। वो निकल चुके हैं अग्निवीर योजना के तहत हुई साजिश के खिलाफ, रेलवे में रुकी हुई भर्तियों के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ। राहुल गांधी उस रिकॉर्ड को बदलने निकले हैं जो चीख चीख के कह रही है देश में इतनी बेरोजगारी बीते 50 वर्षों में कभी नहीं आई। राहुल की यात्रा के साक्षी बने लोग अब सीना ठोक के पूछ रहे हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे का क्या हुआ? भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के बेबस, लाचार और बेरोजगार युवाओं के लिए सांप्रदायिक भीड़ बनाने वालों के खिलाफ एक मुहिम है। ये जन जन की आस्था से उमड़े जन सैलाब की यात्रा है। ये भारत की नौजवान पीढ़ी के हक और अधिकार की यात्रा है। ये दुनिया के ग्लोब पर आइडिया ऑफ इंडिया के वैश्विक मॉडल की यात्रा है। ये यात्रा बीते 10 साल में हुए छल के खिलाफ है, शोषण और अत्याचार के खिलाफ है। जब जब युवाओं ने मोर्चा संभाला है, देश ने विकराल क्रांति को महसूस किया है। असल में ये यात्रा एक विशाल सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए है। ये यात्रा न्याय के लिए है। आपको न्याय का हक मिलने तक ये जननायक नहीं रुकने वाला।